ंग फ्रेंड्स राधे कृष्णा वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग फिर से स्वागत है आप सब लोग मेरे न्यू ब्लॉग में गुड मॉर्निंग हैव एनाइस डे तो फ्रेंड्स यहाँ पर सारे काम हम तो आप लोग जानते ही जानते मैं बहुत सुबह जल्दी निपटा देती हूँ क्योंकि काम मेरे पड़े रहते हो मुझे गंदा लगता है मुझे झाड़ू पोछा तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद रहता कि पड़ा रहे तो यहाँ पर गुड मॉर्निंग हो गई और इसके बाद सारे काम निपटाने के बाद मैंने दो प्याज कट कर लिए और यहाँ पर क्या बोलते हैं कि क्योंकि कल जो मैंने टिंडे और भिंडी कट करके रखी हुई थी उसी को आज बनाने वाले ब्लॉक को मैंने कंटिन्यू रखा हुआ है आप लोग जानते ही हैं तो यहाँ पर जो मैंने मसाला पीस के रखा हुआ था जो मसाले स्टफ़ करने वाले हैं जैसे भिंडी है करेला है या और भी कोई स्टफ़ वाली सब्जियां हुई बना तो मसाले मैं पहले से तैयार करके रखती हूँ बाकी क्योंकि फिर वो एंड वक्त पे बनाने वाला फिर टेंशन हो जाती है इसीलिए तो मैं बना के रख लेती हूँ जब ये खत्म होगा तो फिर मैं दूसरा बना लूँगी तो पहले जो प्याज काटे उनको ग्रेट कर लूँगी फिर हल्दी और धनिया उनको मैं पीस करके सॉरी पीसेंगे नहीं हल्का सा रोस्ट करेंगे मतलब ट्रांसफर मतलब थोड़ा सा कलर उनका जो ट्रांसफर हो जाए बस उतना ही करना है इसके बाद में फिर मैं नहा के आऊँगी तो फिर सारे काम करूँगी और तो यहाँ पर फिर क्या हुआ था कि मैंने कहा चलो यार अपने सारे से काम निपटा ही लेते हैं तो हमने और हमारे पास एक कच्ची आम रखी हुई थी तो मैंने उसको उस दिन की रखी तो मुझे लगा नहीं लेकिन जब मैंने कुछ कर रही थी तो मुझे मिल गई तो फ्रिज में टमाटर की डलिया में सबसे नीचे थी तो मैंने उसको भी ग्रेट कर लेना है तो यहाँ पर हमने प्याज ग्रेट कर लिया और इतना सा डालेंगे मिर्च पाउडर क्योंकि हमारे पास और यहाँ पर हमने हल्दी और धनिया ले लिया है तावे में उसको मतलब बहुत ज़्यादा जलाना नहीं मतलब ये है कि इसमें कोई हल्का सा जैसे इसकी जो खुशबू ट्रांसफ़र होती है थोड़ी सी रोस्ट वाली बस वैसे ही गैस को बंद कर देना गैस को यहाँ पर बिल्कुल लो रखना क्योंकि ये चीज़ें जलती बहुत जल्दी हैं अच्छा आप चाहें तो कच्चा भी डाल सकते हैं लेकिन इसको जब आप रोस्ट करके डालते हैं एक बहुत अच्छा कोई भी स्टफ चीज़ में अगर आप धनिया और हल्दी डालते हो तो हल्का सा तावे पे रोस्ट कर दीजिए और मैं तो हमेशा करती हूँ और उसके साथ साथ में मैंने मम्मी को नानी को मामी को इन लोगों को देखा है तो ये हमारे पास जो वही मसाला हुआ बना हुआ है तो मैं वैसा ही करती हूँ दरअसल मैं निहाल में रही तो मैंने सभी लोगों को देखा नानी मामी मम्मी को मासी को तो फिर मुझे वही पता है तो यहाँ पर हमने सब कुछ मिला लिया है धनिया पाउडर वो मसाला और इसके बाद कच्चा आम मिर्च पाउडर नमक हींग सब कुछ मिलाने के बाद जितना मिलाया जाता है वो मिला लिया मिलाने के बाद यहाँ पर मैं आराम से बैठ गई हुआ क्या था मैं थोड़ा सा बाथरूम खाली नहीं थे तो मैंने सोचा चलो यार कुछ ना कुछ तो कर ही लेते तो उस हो दरअसल हुआ क्या कि तो मैंने कहा चलो यार बैठे ही हैं फालतू तलाव तो उनको भर करके रख देते हैं अच्छा टिंडे को नहीं भरेंगे क्योंकि टिंडे को पहले मुझे फ्राई करना है इसलिए टिंडे को नहीं भरना है तो फ्रेंड्स यार वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना तो फ्रेंड्स बस आप लोग मेरी फैमिली आप लोगों ने दुनिया की खुशियाँ दी हैं दुनिया लोगों के चेहरे पर खुशियाँ लेकर वापस आए हैं और दुनिया में कितने लोगों को कितने YouTube फैमिली को आप लोगों ने खुशियाँ दी हैं तो आई होप कि मेरे मेरे को भी वो खुशियाँ मिलेंगी आप सब लोगों के प्यार और सपोर्ट से तो यहाँ पर मैं भिंडी को भर रही थी बैठे बैठे तो कुहू मेरा वीडियो शूट कर रही थी तो आप जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि मेरे हेल्प करने के लिए मेरी कुहू ही खड़ी हो जाती और ऐसा भी कभी कदार हुआ है कि जो मेरा बेटा है रुद्रांश वो भी हेल्प कर देता है तो कोई बात नहीं यार कुछ ना कुछ तो सपोर्ट करने के लिए फिर बच्चे होते ही इसलिए कि आपको सपोर्ट मिल जाता है तो मुझे मेरे बच्चों से बहुत सपोर्ट मिलता है बहुत सपोर्ट मिलता है और मेरी मदद करते हैं तो मेरे दोनों ही बच्चे बहुत मदद करते हैं इनफैक्ट कुहू तो कुछ ज़्यादा ही क्योंकि वो बड़े भी है इसलिए तो यहाँ पर जल्दी से जितनी भिंडियाँ हैं उनको मैं फिल कर दूँगी इसके बाद फिर मैं अपना काम करने चली जाऊँगी तो यहाँ पर ये देख लीजिए तो भिंडी सच में यार मसाले बहुत अच्छे बने थे और उसके साथ साथ में भिंडी का जो मसाला बचा हुआ था थोड़ा सा तो उसको मैंने रख दिया कुछ ना कुछ मतलब वो आ जाता है तो फिर वो थोड़ा सा मसाला भी बचा होता है इस टाइप से आप भर के रख लीजिए अच्छा अब इनमें पानी नहीं निकलने वाला मतलब कि थोड़ा सा नमी नहीं होने वाली क्योंकि ओवरनाइट हमने कट करके रखा हुआ तो, तो नहीं होगा अगर आप तुरंत भर के या धुल के भिंडी अगर तुरंत भरते हैं तो थोड़ा सा मॉइस्चर निकलेगा तो अगर आपको ऐसा करना तो एक नाइट पहले आप रख दीजिए कट करके तो यहाँ पर फिर क्या हुआ मैं नहा के आ गई थी तो फिर से ये हुआ कि ये पापड़ दरअसल पैकेट खुल गया था तो ये हुआ कि चले यार इसको ख़त्म कर लो नहीं ये मुलायम पड़ जाएंगे पापड़ तो बेकार हो जाएंगे तो फिर फिर अगेन मैंने आज भी चाय और उसी पापड़ को फ्राई कर लिया और बहुत मतलब आप तेल में जैसे ये डीप होता है पापड़ वैसे एकदम से खिल जाता है और सच में ये खिचड़िया पापड़ बहुत मुझे तो बहुत पसंद आया तो मैंने यही अपना यहाँ सुपर मार्केट है जो पास में वहीं से लिया हुआ था तो क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि ये जो पापड़ है मेरे यहाँ फर्स्ट टाइम आया हुआ है तो यहाँ पर क्या करेंगे रुद्रांश से, से कुहू बात कर रही थी इसके बाद फिर क्या करना है तो टिश्यू पेपर लेके आई थी तो चलो यार चाय दे के आते हैं हस्बैंड को फिर हम लोग अपना पीने जाते हैं दिन वापस आकर के सब्जियों को फिर छोंकते हैं तो फिर मैं चाय बाय पीने के बाद आ गई तो यहाँ पर मैंने टिंडों को फ्राई करने के लिए डाल दिया और आज हम बनाने वाले लोहे की कढ़ाई में टिंडे को तो यहाँ पर फ्राई क्योंकि आप इसको फ्राई नहीं करते हैं, तो फिर पकने में मसाले इसके निकल निकल के जलने लगते हैं और ये जो टिंडे हैं नहीं पकते हैं, क्योंकि दिखते तो सॉफ्ट मुलायम है लेकिन ये अंदर से काफ़ी हार्ड और मॉइस्चर मौ, तो होता है लेकिन अंदर से काफ़ी हार्ड इनकी जो स्किन होती है मतलब पल्प होता है वो हार्ड होता है तो इतना तेज़ चिट -चिट, चिट 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 कर रहा था और गर्म इतनी लग रही थी तो आज कल ये देखें तो मेरी बिंदी भी निकल गई तो आज मेरे शोल्डर पर आप इस टाइप के टॉवल पड़े हुए देखेंगे तो यहाँ पर मेरी दाल पक रही भिंडी पक रही है और जो टिंडे थे हमारे फ्राई कर लिए फ्राई करने के बाद उनको थोड़ा सा ठंडा हो जा नहीं भर नहीं पाऊंगी तो भर के फिर से उनको पकाना है तो चलिए इनको थोड़े से ठंडे हो रखे थे फिर इनको भर लेते हैं और वैसे क्योंकि अभी काफ़ी मुलायम हो गए तो भरने में ज़्यादा इस टाइप से क्योंकि हमने कट तो कली लगा दिया था तो इसमें भी काफ़ी मॉइस्चर ख़त्म हो गया था लेकिन टिंडे जो हैं वो एकदम से सॉफ़्ट नहीं होते जैसे कि तरोई है बैगन है या टमाटर है या शिमला है जिसे एकदम पकने के बाद एकदम सॉफ्ट हो जाते वो चीज़ टिंडे में नहीं आती है तो आप ये चीज़ हमेशा गौर करिएगा कि वो चीज़ टिंडे में नहीं आती है ये चीज़ थोड़ा सा अलग रहता ही रहता है हार्डनेस रहती है लेकिन खाने में बहुत स्वाद लगते हैं बहुत स्वादिष्ट लगते हैं तो यहाँ पर हमने भिंडी को छोंक दिया था और इसके ढक करके इसको धीरे धीरे पकने देंगे तो भिंडी को आराम से चलाते जाइए इसके बाद यहाँ पर हुआ क्या इसको मैंने जैसे ही फ्राई किया तो कितना काला सा निकला लेकिन क्या था कि अब ये तेल जो उसमें था क्योंकि अब इसको क्योंकि चीज़ों को इतना ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए और यहाँ पर हमने उसी में फिर से टिंडों को डाल दिया पकने देंगे क्योंकि मुझे इसमें पकाना ही पकाना है तो यार मैं इतनी रईस नहीं हूँ कि इस टाइप से चीज़ों को बर्बाद करूँ तो बाकी मैं किसी की बात नहीं कर सकती कि आप लोग फेंक देते हैं क्या करते हैं तो मैं अपनी बात करती हूँ मैं क्या करती हूँ तो यहाँ पर इसको इसी प्लेट से ढक देंगे धीमी आंच कर देंगे और पकने देंगे थोड़ी थोड़ी देर में इनको टर्न कर देंगे तो यहाँ पर दो बारी हमने टर्न कर दी जो टिंडे थे उनमें बहुत अच्छा कलर आ गया इसकी जो शॉर्ट्स ब्लॉग है मैं आपको जरूर शॉर्ट्स वीडियो दे दे दूँगी तो यहाँ पर फिर क्या हुआ था मैंने फिर भिंडी छोंक दी वहाँ पर दूसरी क्लिप लगी थी सॉरी तो यहाँ पर हमने भिंडी छोंक दी भिंडी छोंकने के बाद फिर इसको धीरे 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 पकने देंगे क्योंकि होता है क्या फ्रेंड्स एक साथ सारी वीडियो नहीं शूट होती थोड़ी 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 करके शूट करना पड़ता है फिर उसको एडिटिंग में कहीं हो गया है मिस्टेक सॉरी तो वहाँ पर थोड़ी सी मैंने बाद वाली क्लिप थोड़ी सी पहले लग गई है सॉरी तो चलिए यहाँ पर भिंडी इसको ढक करके पकने देंगे थोड़ी देर बाद ये देखिए भिंडी बहुत अच्छा सा कलर आ गया फिर इसे एक बार इसको टर्न करेंगे ढक कर पकने दीजिए ऐसे ही पकने दीजिए अब वो पक गई है ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा तो यहाँ पर खाना बन गया तो यहाँ पर ये देखिए बच्चों के लिए खाना निकाल के ले जा रहे हैं यहाँ पर टिंडा है भिंडी है और ये है दाल अरहर की दाल है चावल और चटनी तो रोटी कोहू को मैंने दे दी वो अंदर लेके गई तो चलिए मैं बच्चों को खाना खिलाती हूँ जा कर के और इसके बाद में फिर मिलूँगी इसके बाद आराम आराम करने के बाद उसके साथ साथ में मुझे बच्चों के समय काम कराने हो रहे तो फिर उनके काम कराने के बाद फिर से मिलूँगी चलिए हम लोग जाते हैं खाना खाने फिर से मिलूँगी शाम को मिलते हैं गुड मॉर्निंग और चाय के साथ मिलते हैं तो चाय हमारी बन गई थी बनने के बाद फिर क्या करेंगे और मैडम को चाय दे के आ जाएंगे और इसके बाद फिर हम जा कर, कर चाय पियेंगे फिर आप लोगों के साथ थोड़ी बातें करने का मन था तो चलेंगे थोड़ी सी बातें करेंगे बातें करने के बाद अच्छा खाना मेरा रखा हुआ है दिन की सब्ज़ी वगैरह जो है वो रखी हुई है तो मैं उस सब्जी नहीं बनाने वाली उसे फ्रोटियाँ सेकूँगी तो चलिए चलते हैं चाय और है। तो यहाँ पर मैं अपनी चाय लेके बैठ गई हूँ मैडम उधर पढ़ा रही बच्चों को तो बच्चे उधर हैं और मैं इधर हूँ तो बस आके बैठ गई हुई थी तो चाय पी लेते हैं और चेक करती हूँ चाय मस्त बनी चाय तो यहाँ पर चाय पी रही थी और अच्छा हुआ कि आज इनके पापा ने खाना नहीं खाया तो मेरे यहाँ भी मतलब खाना रखा है क्योंकि आज हमने दो दो सब्ज़ियाँ भी बना ली थी दाल भी बना ली थी तो रखी हुई है तो मैं नहीं बनाऊँगी और सिर्फ़ रोटियाँ मुझे सेकनी पड़ेगी तो रोटी सेकूँगी और बस यही उसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूँ कि तो मेरी चाय अदरक वाली मेरी फेवरेट है और हाँ मुझे चाय ना थोड़ी सी कड़क चाय पसंद है और अदरक वाली ना हो तो बेकार रहता है मेरी मतलब मुझे कड़क चाय और अदरक वाली चाय पसंद है इनफैक्ट मुझे मेरे ही हाथ की चाय ज़्यादा पसंद आती है या तो एक भाभी है मेरी जिठानी वाली भाभी हैं वो मेरी पसंद की चाय बनाती मेरी उनकी चाय बिल्कुल एक जैसी कड़क चाय होती है तो मुझे वो चाय बहुत मतलब बिल्कुल मेरी और उनकी एक जैसी लगती तो भाभी आपकी चाय को मैं मिस कर रही हूँ लेकिन मैं भी पी रही हूँ तो आपकी चाय को मैं बहुत मिस कर रही हूँ तो बस मतलब चाय मुझे बार बार नहीं चाहिए होती है चाय पीती हूँ एक कप सुबह में एक कप शाम में और ज़्यादा नहीं कि मतलब दिन भर नहीं पी सकती मैं दो टाइम चाय चाहिए लेकिन चाय मेरी अपनी अपनी मस्त कड़क और अदरक वाली चाय हो मुझे कम चाय पत्ती वाली चाय नहीं पसंद आती है और बिना अदरक वाली चाय नहीं पसंद आती है तो बस वही और इसके बाद मैं फ्री थी तो मैंने सोचा चलो यार आप लोगों से थोड़ा सा बातें ही कर लूँ तो चलिए फ्रेंड्स आप लोगों का प्यार सपोर्ट ऐसे ही बना रहे उसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूँ कि जो मेरी प्रॉब्लम्स है वो थोड़ी थोड़ी सी मतलब आ रही पटरी पे आ रही है तो देखो कब तक आती है जब तक जब आती है आप लोगों को बताऊंगी ज़रूर तो बस मेरे लिए दुआ करो कि फिर से मेरी जो मेहनत मतलब मैं कर रही हूँ सफल हो और मैं कुछ कर पाऊँ तो यहाँ पर चाय मेरी ख़त्म हो गई है तो बस बैठी हुई थी तो आप लोगों से बातें करने का मन कर रहा तो मैंने कहा सोचो चले यार आप लोगों से बातें कर लूँ तो एक ही समय चल रहा तो मैंने बंद कर दिया है क्योंकि फिर आवाज़ आती रहती आती रहती इसी वजह से तो फ्रेंड्स यार कमेंट करो मेरे जो इस समय जो ब्लॉग आ रहे हैं मैंने जो नाम चेंज किया हुआ है और चैनल का मतलब कम सेवेंटी परसेंट तो मैंने चेंज ही कर दिया तो प्लीज़ यार कमेंट करो आप लोगों को अब कैसा लग रहा है और आप लोग क्या चाहते हो इसमें से और क्या किस टाइप का मतलब इंप्रूव कर सकते हो तो प्लीज़ ये जरूर बताइए मुझे कमेंट करिएगा तो चलिए फ्रेंड्स फिर से मिलेंगे नए ब्लॉग में और कंटिन्यू रखेंगे ब्लॉग को तो वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना बेल आइकन को प्रेस कर लो जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालू सबसे पहले आप लोगों तक नोटिफिकेशंस पहुँचती रहे और फिर से मिलेंगे नए ब्लॉग में तो कमेंट करो शेयर करो लाइक like करो जितना जितना हो सके शेयर करो लव यू बाय गुड नाइट फिर से मिलेंगे नए ब्लॉग में तो यहाँ पर फिर चाय वाय पीने के बाद फिर मैंने सोचा आप लोगों से वादा किया हुआ था कि मैंने तो आप घी दिखाना है तो सच बताओ आपको ये दिखा दूँ ये देखिए घी मेरा फ्रिज में रखा हुआ है क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि आज इतनी गर्म पड़े बाहर मेल्ट हो जाएगा तो ये देखिए घी एकदम दानेदार बना हुआ है आप कभी भी बना करके देखिएगा सच में बहुत अच्छे से क्या बोलते हैं घी में इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कभी भी आप बनाइए जब भी आप घी बनाते एक चम्मच आप उसमें मेथी डाल दीजिए फिर आप उसका कमाल देखिए घी की जो नेचुरल खुशबू है वो तो रहेगी रहेगी प्लस उसके साथ साथ मैं आपको बता दी कि घी जो आपका तीन चार साल आप बाहर रखें या अंदर रखें इस समय तो मैंने फ्रिज में रखा हुआ क्योंकि वो मेल्ट हो जाता है इसलिए तो मैंने फ्रिज में रखा हुआ ज़रूरत होती तब उसको दस पंद्रह मिनट या बीस मिनट पहले निकाल के रख देती यूज़ कर लेती तो फ्रेंड्स घी देख लीजिए आप लोगों को यकीन आ जाए कि हाँ दीदी सही कह रहे थे कि नहीं तो चलो यार मैंने आपको बताया दिया कि हस्बैंड ने खाना नहीं खाया था सबसे रोटी से किया फिर मैंने थोड़ा सा जीरा आलू बना लिया था भिंडी और अपना टिंडा है तो जा रही हूँ बच्चों को खाना खिलाएंगे और इसके बाद फिर से मिलेंगे आप लोगों के को नए ब्लॉग में ब्लॉकों में फिर से कंटिन्यू रखूँगी तो यार वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना लव यू ऑल ऐसे अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखना गुड नाइट शुभ रात्रि लग...